छपरा में आरजेडी और बीजेपी समर्थकों में फायरिंग हुई। इसमें एक युवक की मौत भी हो गई है, जबकि दो लोग गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं। सभी आरजेडी के समर्थक बताए जा रहे हैं। वही हत्या के बाद से इलाके में तनाव है, लोग दोषियों की गिरफ्तारी को लेकर हंगामा कर रहे हैं। एसपी गोरवा मंगला ने खुद मोर्चा संभाल कर रखा है। वही लोगों को समझाने की कोशिश भी की जा रही है। पूरा इलाका पुलिस की छावनी में तब्दील हो गया है। दो पार्टी जो है आरजेडी और बीजेपी के वर्कर्स के बीच में यहाँ कैंडिडेट की उपस्थिति में विवाद हुआ था, उसी की प्रतिक्रिया में आज कुछ व्यक्तियों के द्वारा कुछ लोगों को गोली मारी गई है। इसमें तीन व्यक्तियों को गोली लगी है, जिसमें से एक की मृत्यु हुई है। एक अन्य व्यक्ति को पटना रेफर किया गया है एवं एक अन्य व्यक्ति सेफ है। इसमें पुलिस जो भी यहाँ पे घटना कारित किए हैं इनको आइडेंटिफाई करके अरेस्ट करने का प्रयास कर रही है। साथ में जो लोग यहाँ इसको इंसाइट किए हैं इस घटना को, उस संबंध में भी जांच करके हम लोग उचित कार्रवाई करेंगे। अभी भी जो क्राउड को इंसाइट करने का प्रयास कर रहे हैं उन पर भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। यहाँ पर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस के द्वारा, प्रशासन के द्वारा इंटरनेट को बैन भी किया जाएगा पूरे जिले में कुछ समय के लिए, और लगातार हमारा हर जगह पर फ्लैग मार्च भी रहेगा।